हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और उसके ज़रिए हम किस हैं आगे की जो कैलकुलेशन करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करते हैं। तो वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और उसके ऊपर बेस्ट दो तीन एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। वहीं से हम आज आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ या इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे बहुत काम आती है आगे फर्दर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए तो आपकी जो रिजल्टिंग बनता है प्रोडक्ट वो आपका सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कैन बी अ सॉल्यूशन। किसी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस। होमोजीनियस इज मीन्स इट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यदि आपका सॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एंड इफ देर इज नॉन यूनिफॉर्मिलिटी इन सॉल्यूशन देन दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट इज जैसे आप पानी के अंदर नमक को मिक्स करते हो और नमक पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नमक कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। आपके थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में आपको सॉल्ट का फीलिंग होगा जब आप उसे टेस्ट करोगे। लेकिन वहीं अगर आप नमक की जगह सेंड ले लेते हो और सेंड पार्टिकल को ग्लास के अंदर रिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो वो आपके बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, वो मिक्स नहीं हो सकते। उस टाइम आप बता सकते हो कि नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल जो सैंड है वो अलग है और सॉल्वेंट जो वाटर है वो अलग है, मतलब जो आपका मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम पढ़ते हैं आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आती है। इन सब जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है दे आर इंटरकन्वर्टिबल, हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डेंसिटी। सो द फर्स्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलेरिटी, कैपिटल एम। नाम आपको याद रखना है मोलेरिटी, कैपिटल एम। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखें देन वी कैन से दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर दैट इज 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्वेंट, एक लीटर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने अवेलेबल हैं वही आपकी मोलेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो हमेशा लीटर में लेना है। अगर आपको ml में लेते हो तो आपको ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया, ये हम देख लेते हैं। लेट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग w ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलिकुलर वेट कैपिटल M इन VML वाटर। मतलब w ग्राम आपके कोई सॉल्यूट आपने लिया जिसका मोलिकुलर वेट है कैपिटल M, उसको आपने VML वाटर में मिक्स किया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व, मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, सो फॉर वी एम एल वाटर वी हैव डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मोल ऑफ सॉल्यूट। फॉर 1000 ml वाटर वी हैव डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी। यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा मिलीलीटर में। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम है आपका ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही यहाँ पे काम में आएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलेरिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मोलेरिटी और मोलेरिटी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोलेरिटी स्मॉल एम को कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वेट नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट लेना है। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे आपका हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम काम में लेते हैं, बट मोलेलिटी ही एक ऐसी टर्म्स है जहाँ पे आप सॉल्वेंट का वेट काम में लेते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेम्परेचर का मोलेलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम फॉर्मूला देखें, स्मॉल एम मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, यहाँ पे 1000 आएगा क्योंकि जो किलोग्राम होता है, जो किलोग्राम है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ता है, तो आपका 1000 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 आएगा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? लेट y ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजोल्व इन x ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। y ग्राम सॉल्यूट को आपने मिक्स किया है x ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज स्मॉल m, देन y बाय स्मॉल m मोल ऑफ द सॉल्यूट आर डिजोल्व इन x ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। जो हम लिख सकते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज y बाय स्मॉल m डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो होता है आपका x इंटू 1000। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप मोलेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो आती है आपकी मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से डिफाइन करते हैं। ये होता क्या है? ये होता है आपका रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन है मतलब रेशियो है, और रेशियो किसका है? सोल्यूट का और सोलवेंट का। सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, और अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इसको हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस कंसर्न। जो भी आप सब्सटेंस कंसर्न कर रहे हो, लाइक लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज स्मॉल एम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कैपिटल एन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, दैट इज एक्स वन, तो ये होगा आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज स्मॉल एम डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब कंप्लीट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल्स। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो आपको ऊपर सॉल्वेंट के मोल लेने पड़ेंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट इज स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो भी मोल्स हैं उनको एडिशन करते हो तो वो आपका आंसर आता है 1। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है टर्म, वो है आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन, जो परसेंटेज के ऊपर बेस होती है। ये आपकी 3 टाइप्स की होती है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आती है आपकी परसेंटेज वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अब परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि इसमें पर 100 ग्राम का यूज़ होगा, परसेंट है तो 100 से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। इट इज़ गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ W बाई डब्ल्यू है, तो ऊपर भी मास आएगा और नीचे भी मास आएगा। ऊपर किसका मास आएगा? सोल्यूट का। नीचे किसका मास आएगा? सोल्यूशन का। सो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज मास बाई मास मीन्स 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन x ग्राम सोल्यूट। आपका x ग्राम जो होता है वो होता है आपका सॉल्यूट, और आपका 100 ग्राम जो होता है वो सॉल्यूशन का वेट होता है। तो आपका सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो होगा आपका सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, दैट इज 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें ऊपर तो वेट आएगा, नीचे आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा? 100 ml में। सो इट इज़ गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
सेम परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल इन टू 100। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मीन्स 100 एम एल सोल्यूशन कंटेन एक्स ग्राम सोल्यूट, मतलब आपका टोटल सोल्यूशन का वेट है 100 एम एल, वॉल्यूम है 100 एम एल और उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो है आपका एक्स ग्राम। अब यहाँ पर अगर आपको सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो आप 100 माइनस एक्स नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको डेंसिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूशन की और उसके बाद आपको सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। अगर आपकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है तो जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा उस केस में। उस केस में आपका सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो होगा 100 माइनस एक्स, लेकिन अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल नहीं है कुछ चेंज है तो आपको डेंसिटी को यूज़ करके आपको सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्यूशन के वेट में से आपको सॉल्यूट का वेट माइनस करके सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल इन टू 100। इट इज़ गिवन एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 एम एल सॉल्यूशन। यहाँ जितने भी टर्म्स आपने देखी सब में जो वॉल्यूम आया वो सॉल्यूशन का है, केवल एक ही टर्म थी मोलेलिटी जिसमें आपने जो वेट आया वो आया सॉल्वेंट का, वो ध्यान रखना है आपको। तो इस टाइप से आप परसेंटेज की तीनों टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आती है आपकी ppm, वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज 100 से हम मेजर करते हैं वैसे पार्ट्स पर मिलियन होता है, वो होता है आपको 10 लाख से मेजर करना पड़ता है। 1 मिलियन मीन्स 10 लेख, 10 लेख मीन्स 10^6। सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन टू 10^6, इसी के जरिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, या फिर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन टू 10^6। सो इस तरीके से आप ppm को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपको ध्यान रखनी है और कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी के थ्रू, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसके ज़रिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।